बैगमगढ़ YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट। आज है बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से। प्रूव अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। आपका ये नंबर बोर्ड में 5 नंबर का आएगा, पूरे 5 नंबर का। आज आपको करना सिखा दो ये 5 नंबर का क्वेश्चन, प्रूव अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। सो चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहले लेट लेंगे इसका। So, हमने लेट लिया अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी आप सभी को पता है, पी अपॉन क्यू। रीजन में आपको लिखना है पी एंड क्यू आर कोप्राइम, कोप्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां तक हमने ले लिया। सो चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। सो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड दिया है तो पी अपन क्यू का भी स्क्वायर करना होगा। 5 का स्क्वायर कट गया तो 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। वैल्यू क्या आई थी, 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। डिवाइड वाले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 5। ये हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। पी स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल तो हो रहा है, बट पी डिवाइड हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे पी अपॉन 5 इज इक्वल टू के। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने ये k क्यों लिया। k हम इसलिए लेते हैं क्योंकि k को आप क्यों इंटीजर मान सकते हो, आप यहां पे k की जगह q भी ले सकते हो, r भी ले सकते हो। तो हम ले लेंगे वेयर k इज एनी इंटीजर। हमने रीजन लिख दिया k इज एनी इंटीजर। सो ये है डिवाइड में, जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे P इज इक्वल टू 5K। इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे, सेकेंड इक्वेशन ले लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपको पता है, Q स्क्वायर था इज इक्वल टू में पी स्क्वायर अपॉन में 5। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमारी थी पी इज इक्वल टू 5K। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2। सो हम इन दोनों को करेंगे मर्ज एक दूसरे के साथ। सो इसकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे इस पी स्क्वायर की जगह। सो वैल्यू पुट अप करते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन में 5। आप सोच रहे हो कि हमने यहाँ पे 5K स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि P की जो वैल्यू है वो 5K है, तो 5K है तो 5K P की वैल्यू की जगह 5K स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर आपको पता ही है 25 होता है, K स्क्वायर अपॉन में 5। ये गए इससे Q स्क्वायर इज इक्वल टू में 5K स्क्वायर और नीचे तो कट चुका है पहले से ही। सो आप देखेंगे, सो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम
के स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू स्क्वायर अपॉन में फाइव, हैंस प्रूव्ड। लैंग्वेज लेकिन अभी लिखना बाकी है, आपको लैंग्वेज के पूरे दो मार्क्स मिलते हैं, तो चलिए लैंग्वेज भी लिख देते हैं। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। हमें प्रूव करना था कि अगर को प्राइम नंबर हमने पहले लिखा था रीजन में, को प्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ वन है, लेकिन इसके एचसीएफ तो दो आ गए, पहला एचसीएफ आपका ये रहा, दूसरा एचसीएफ आपका ये रहा, तो जिसके दो एचसीएफ आ जाए वो एक इरेशनल नहीं होता। आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात करते हैं। हमारे इक्वेशन क्या बन के आया था, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में फाइव, ये हमारी इक्वेशन बन के आएगी। वैल्यू पुट अप करते हैं, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव, हेंस क्यू इज also divisible by 5। so आगे देखते हैं, next line में लिखेंगे so our assumption जो हमने let किया था under root 5 को irrational, जो हमने let किया था वो assumption था हमारा, मतलब हमने वो माना था, assumption was wrong, जो हमने माना वो गलत साबित हो गया। सो अंडर रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, आपका ये अंडर रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।